जाइए। उत्तर सी की भी इंतहा होती है। नहीं रहना जिंदा, मर नहीं चाहती तो रोटी जाया करने की क्या जरूरत। बाजार से मैं जाता, जहर लाके दे देता, खा लेती। क्या मतलब है तुम्हारी बकवास का? माना मैंने कि मैं इतना आइडियल हस्बैंड नहीं हूँ, लेकिन इतना भी गया गुजरा नहीं, जालिम नहीं हूँ मैं। खाना दे ही देता ना मैं तुम्हें। 3 दिन पुराना खाना खाने की जरूरत क्या थी? अपनी माँ से जाकर पूछो जो सजा सुना कर गई है मुझे। क्यों होगी, तुमने खुद ही कोई बदतमीजी उनके साथ? क्या दिमाग है ना तुम्हारा? बल्कि किस तरह की औरत हो तुम? तुम मुर्दा बनी घूमती रहती हो ना, अपना ख्याल ना होने वाले बच्चे। मैं जो बात कर रहा हूं तुम जो जवाब दिया करो, समझी? पूरी फैमिली नफसाती है भाई। खैर एक काम की बात सुनो, अम्मी ने सना के साथ तुम्हारे पुराने आशिक हमजा का रिश्ता तय कर दिया। सामने आने की अगर गलती भी चीना तो बूम, दिमाग खराब हो जाएगा मेरा। मर नहीं चाहती तो रोटी जाया करने की क्या जरूरत। बाजार से मैं जाता, घर ला के दे देता, खा लेती। मेरे लिए सैंडविच बना ले, और वो भी अपने हाथों से। जानती हो ना कि मैं कुकिंग नहीं करता। थैंक गॉड, मेरा बेटा माशाल्लाह से पहले से बहुत बेहतर हो गया है। मैंने आपसे कहा था ना कि सना जैसी लड़की उसे संभाल लेगी। अगर हम अपनी क्लास से कोई लड़की लाते ना उसके लिए, तो अगले दिन ही भाग जाती हमजा की हरकतों की वजह से। वैसे छोटे घर की लड़कियों में ना बर्दाश्त बहुत होती है। शायद तुम ठीक कह रही हो। अच्छा, बस अब मेरा बेटा बहुत बेहतर हो गया है और आहिस्ता आहिस्ता और बेहतर हो जाएगा। हाँ, फर्क तो काफी है, मुझे भी महसूस हो रहा है। अच्छा आप एक काम करें, मुझे अपना कार्ड दें, मैं सना के लिए कोई छोटा सा ज्वेलरी सेट खरीद लेती हूँ। कार्ड? इसके लिए तो कैश ठीक रहेगा ना? नहीं नहीं, कैश के हालात नहीं है, आप मुझे कार्ड ही दे दें। कार्ड तो आप अभी ले लीजिएगा, कहीं पे मेरा बैंक अकाउंट पूरा खाली ना कर देना नई बहू के मोहब्बत प्यार में। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है निहाल, मैंने कोई महंगी चीजें थोड़ी खरीदनी है उसके लिए। मैं तो जैसी वो है वैसे ही चीजें लाऊंगी ना उसके लिए।
तो फिर ऐसा करो कि उसको वही चीजें दे दो जो हमने रानिया के लिए मंगाई थी। अब इतनी भी मोहब्बत मेरे दिल में उसके लिए नहीं है कि मैं सारी चीजें उठाकर उसे दे दूं। मैं उसे यहाँ सिर्फ अपने बेटे के लिए लेकर आ रही हूँ। वैसे भी हमजा और सना को कोई मैच तो नहीं है। एक तो तुम्हारा मंतक जो है ना, ये मुझे समझ में नहीं आता। अच्छा आप रहने दें, आपको कभी भी समझ में नहीं आएगी मेरी लॉजिक। मैं सोच रही हूँ कि मैं हमजा को भी साथ ना ले जाऊं। उसको मनाना मुश्किल तो है, लेकिन मुझे यकीन है कि वो मान जाएगा। हाँ जरूर ले जाओ, अच्छी बात। मुझे कहीं नहीं जाना। मैं भी तुम्हें लेकर जाऊंगी, जिद मत करो। जिद आप कर रही हैं। मैं नहीं जाऊंगा क्योंकि वहां पर रानी। इसलिए तो कह रही हूँ तुम्हें चलने के लिए। वो तो अपने हाल में मगन है, वो भी तो जरा देखे ना कि तुम्हें भी उसकी कोई परवाह नहीं है। तुम्हें मुझे कोई दिलचस्पी नहीं इस तरह की चीप हरकतों। तुम्हें तो शायद अपनी माँ की खुशी में भी कोई इंटरेस्ट नहीं है ना। अच्छा ठीक, सिर्फ आपके कहने पर मैं आखिरी बार जा रहा हूं, लेकिन अंदर नहीं आऊंगा। ठीक है, तैयार तो हो जाओ, देर हो रही है। मैं जरा कहीं निकली भी हूँ बाहर, फिर बात करती हूँ तुमसे। ओके, अल्लाह हाफिज। चलो, यहाँ क्यों बैठे हुए, अंदर नहीं आओगे क्या? हमजा मैंने कहा था ना कि मैं अंदर नहीं जाऊंगा। क्या हो गया है हमजा, क्या शादी के बाद भी बाहर से चले जाया करोगे? एनीवेज बैठे रहो गाड़ी। दर्द तेरा हम दिल में छुपा के कैसे जिएंगे बता, कैसे जिएंगे बता। उस बेवफा से दिल को लगा के हमको मिला भी है क्या, हमको मिला भी है क्या। ये जुनून दानिश रानिया को देखो।
हटिया। मत कैसे हुई मेरी बेबी को हाथ लगाने की? अविंदर इसकी तरफ भी देखा ना, छोड़ूंगा नहीं मैं तुम्हें। तुम यहाँ क्यों खड़े हो? अंदर आओ ना, अम्मा देखे तो मैं खुश होंगी। वो अम्मी का फोन गाड़ी में रह गया था, वही देने के लिए आया था। सानिया को चक्कर आ गए, इस शी ओके? हाँ हाँ, वो बिल्कुल ठीक है। सारी रात बातें करते रहते हैं, मूवीज देखते हैं, तो नींद कहाँ से पूरी होगी? और नींद पूरी नहीं होगी तो चक्कर तो आएंगे ही ना। तुम अंदर चलो, चलो आ जाओ। 13 साल का मासूम बच्चा था मैं, सारे स्कूल के सामने। जो जिल्लत तुमने मुझे दी थी ना, मेरे दिल में कैद थी। अरे जो जुर्म तुमने किया था उसकी सजा तो बनती थी परी से। जो लोग दूसरों को मौका देते हैं वो हमेशा हारते हैं। खुद से जीतने का भी अलग मजा है और खुद से हारने का भी। आप सिर्फ मेरे हैं सुल्तान। सुल्तान उन लोगों में से है जो अपनी अना की तस्कीन के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। आज भी तुम पक्के खिलाड़ी हो, अपनी कमजोरी किसी के हाथ में रहने नहीं देते। मेरे बेडरूम की बात मेरे बेडरूम से बाहर जाए ये मुझे सख्त नापसंद है। तुम हमारे झगड़े की वजह से अपने मायके आई तो वो मेरे और तुम्हारे रिश्ते का आखिरी दिन होगा। चली गई तेरी सहेलियां? हाँ चली गई। उनके सामने डाइटिंग का ड्रामा कर करके मेरा दिल घबरा रहा था। दिल कर रहा था सब कुछ खा जाऊं। चला तू भी आके खा ले चाट, बड़ी मजे की है कसम से। मेरी बात सुन। तुझे कितनी दफा समझाना पड़ेगा कि मोहल्ले की औरतों को घर ना बुलाया कर? ये छोड़ ना, टाइम पास है, तू आ चाट खा, बहुत मजे की है कसम से। आती हूँ। मुसीबत, पता नहीं कहाँ बिजी है घामड़ मनुष्य कहीं का। कौन? वो सेठ लड़का? और नहीं तो क्या? अरे तुझे कितनी बार समझाया है कि लड़के खुद कॉल करते हैं लड़कियों को, लड़कियां कॉल करते हैं उनके पीछे लगती भी अच्छी नहीं लगती, समझी? कितनी बार समझाती हूँ मैं तुझे, तेरी अकल में बात नहीं आती। ओफो, माँ, आजकल के लड़के ना ऐसे नहीं है कि लड़कियों ने फोन करेंगे तो दिल से उतर जाएंगी। आजकल के लड़के ना बड़े एडवांस हैं और लड़कियां भी एडवांस ही पसंद करते हैं। ये पर्दों में और शर्मीली लड़कियां किसी को पसंद नहीं आती। अरे भाई तू ज्यादा बेहतर जानती है, लेकिन जो भी करना ना बड़े एहतियात से करना, ऐसा ना हो कि फंसा हुआ शिकार हाथ से निकल जाए फुर करके। किसकी बेटी हूँ मैं? तेरी बेटी हूँ। जाने तो मैं भी नहीं दूंगी इसको। फोन उठा ले एक दफा मेरा। शाबाश। बहुत शौक है ना तुम्हें दूसरों की बाहों में झूला झूलने का, और मुझे तो करीब भी नहीं आने देती हो तुम। दानिश तुम्हें बताया तो था कल के मेरी तबीयत ठीक नहीं है, चक्कर आ रहे थे मुझे। चक्कर? अगर तुम प्रेग्नेंट ना होती ना तो बताते मैं तुम। दूसरों की बाहों में झूला झूल के ड्रामा करने का अंजाम क्या होता है? शड़ा, चुप हो जाओ दानिश, अल्लाह के वास्ते चुप हो जाओ, चक्कर आ रहे हैं मुझे, सर घूम रहे मेरा। अपनी तबीयत का बहाना बनाकर मेरे सवालों से जान छुड़ाना अच्छी तरह से आता ना तुमको? ये मुझसे नजर को चुरा रही हो? इधर देख के बात करो, दिल में खोट है ना तुम्हारे? मेरे दिल में खोट है? पता नहीं, वैसे भी मैं काफी दिनों से सोच रहा, ये जो हमारे घर में ये गुड न्यूज आई है काफी जल्दी नहीं आ गई।
मुझे सच सुनना है रानिया, ये मेरा ही बच्चा है या फिर तुम जैसे गिरी सोच रखने वाले शख्स से किसी और अच्छी बात की उम्मीद है कि उसे की जा सकती है? मेरी बात मत डालो मेरी बात। कितने दिन से मैं इस बात को इग्नोर कर रहा था, लेकिन आज जो कुछ हुआ, अनुरा तुम समझ नहीं रही हो, मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। मुझे मुझे श्योरिटी चाहिए, मुझे श्योरिटी चाहिए कि ये मेरा बच्चा है कि नहीं, वरना तुम्हारे क्या पता। इतनी बात की दादी तो फिर शादी क्यों की है मुझे? मुझे तुम्हारी बात किरदारी की सजा देनी है तुमको, इसलिए मुझे जानना जरूरी है। रानिया मुझे सच सुन, मुझे सच सुनना है, मुझे सच सुनना है कि ये मेरा बच्चा है या नहीं। तुम्हें जवाब चाहिए ना, जवाब चाहिए ना, अभी दूंगी। रानिया मरना चाहती हूँ, तुम्हें क्या लगता है इतनी आसानी से मैं तुम्हें मरने दूंगा? हरगिज नहीं, तुम इतनी आसानी से नहीं मरोगी, क्योंकि तुम्हारी निजात मेरी हार है। छोड़ो मुझे, थक गई हूँ मैं, मरना चाहती हूँ, बस कर दो, खुदा के वास्ते बस कर दो। जैसे मैं जल रहा हूं ना, वैसे ही तुम जलोगी, चॉइस तुम्हारी है, कितना और कब तक जलना है। मैं तो आदि हूं, मैं बर्दाश्त कर लूंगा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, ना सोचो। आई स्वेयर मैं भी यही चाहता हूं कि तुम जलो, चढ़ी लड़कर राख हो जाओ, या तो राख हो जाओ या मेरी हो जाओ, बस। वाकई दानिश के साथ खुश है, मुझे भूल गई, फिर इसकी आंखें, इसका चेहरा इतना वीरान क्यों लगता? खुश होने वाले ऐसे तो नहीं होते। ये ले लो बिस्कुट। अल्लाह, हाय हाय हाय, ये क्या गिरा दी चाय उस पे, जरा तो नहीं बेटे, हैं हैं हमजा, जा लेके जाओ उसे वॉशरूम लेकर जा, अरे शर्ट बदलवा उसकी, अरे बिस्तरी करके पहना दे, पता नहीं क्या बौला जाती है। क्या हो गया नवाब, हो जाता है ऐसा? तुम तो ऐसे डांट रही हो उसे जैसे उसने जानबूझ के गिराई हो चाय। हाँ, वैसे बड़ी नफासत पसंद बच्ची है मेरी, वो हमजा को देख के ना घबरा गई। बिल्कुल सही कह रही है नवाब, बिल्कुल सही कह रही है। वैसे रशीद भाई नजर नहीं आ रहे, जब भी मैं आती हूँ उनसे मुलाकात ही नहीं हो पाती। ये वो तो सुबह ही निकल जाते हैं ना काम पे, देर से आते हैं, आप अगली दफा जब आओगी ना रोक के रखेंगे। अम्मा है बहुत मेहनत करता है भाई, हराम की कमाई थोड़ी है। अच्छा भाई, मैं चाह रही हूँ कि अब दोनों के निकाह में ना देर ना हो, अब मैं ज्यादा दिन ना अपनी बेटी को यहाँ पर नहीं रख सकती। हाँ तुम्हारी मर्जी, जैसे तुम्हारी खुशी वैसे ले जाओ, कोई मसला नहीं। मेरा तो दिल चाह रहा है कि मैं आज ही दोनों का निकाह करवा दूं। आज ही अम्मा, आज ही कैसे? रायात मुझे बता रहा था कि फाइज दफ्तर आना शुरू हो गया, उसकी स्टडीज पे इफेक्ट तो नहीं आएगा? अगर कोई चीज मुतासिर होगी तो वो है उसका और हरीम का रिश्ता। ये पॉसिबल है कि हरीम को वापस कर ले जाऊं? मैं उनको ऐसे छोड़ के नहीं जा सकती, जो पता ना जब उठेंगी तो मेरे बारे में पूछेंगी। आज मैं फाइज का पहला इम्तिहान ले रही हूँ, हरीम की ख्वाहिश होगी कि वो अपनी माँ के पास रहे, और मेरी ख्वाहिश के मुताबिक फाइज उसे घर लेकर आएगा। हमजा हो गया, घर नाम पहनाओ।
क्या कर रही हो? मैं पहन लूंगा, ला। मुझे तुम्हारे काम करना अच्छा लगता है। लेकिन मुझे नहीं अच्छा लगता कि तुम मेरे इतना करीब हो। मैंने कहा ना मैं पहन लूंगा। मुझे समझ नहीं आता, मैं जब जब तुम्हारी मदद करती हूँ तुम मुझे क्यों धुतकार देते हो, क्यों? और मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि मुझे तुम्हारी किसी किस्म की मदद की जरूरत नहीं है, अपाहिज नहीं हूं। मोहब्बत एक बार होती है, और ऐसा किसने कहा तुमसे? मैं वादा करती हूं, सिर्फ एक बार मुझ पर भरोसा करके देखो। ट्रस्ट मी, मैं तुम्हें बहुत प्यार दूंगी, लेकिन एक बार मौका देगी, एक बार। सना, मैं तुमसे मोहब्बत नहीं करता। मैंने जिससे मोहब्बत करनी थी मैंने उसे कर ली। मोहब्बत इंसान को सिर्फ एक बार ही होती है। कैसी बातें कर रहे हो? तुम्हें पता भी अंदर क्या हो रहा है? अंदर हमारी हमारी मंगनी की डेट फिक्स हो रही है और तुम ये क्या बोल रहे हो? Do you think I can? सना, मैं तुम्हें कुछ नहीं दे सकता। आहिस्ता बोलो। प्लीज मुझसे एक्सपेक्ट मत करो। मुझे तुमसे कुछ भी नहीं चाहिए। अगर मुझे तुमसे कुछ चाहिए तो वो सिर्फ तुम्हारा असर, तुम्हें उम्र भर के क्या वो दे सकते? हमजा सुनो, तानिया, सुलेमान ने मना भी किया था, उस कुटिया के साथ रिश्ता ढूंढने की क्या जरूरत है, अब तो वो शेर की तरह यहां पे आ जाएगा। और एक ये है, एक अच्छे भले इंसान का शक्ल देखते ही दिमाग खराब हो जाए। हाँ तो मत देखो, मैंने कौन सा बंदूक तान रखी है। अच्छा, बड़े पर लग गए हैं। बहुत बोलना। क्या आया लग? बीवी हूँ मैं तुम्हारी, और जब अपने घर वालों पर जोर नहीं चलता है तो मुझ पर आकर गुस्सा निकालते हो। बेशरम, तब शर्म नहीं आती? तुम्हें तब शर्म नहीं आई थी जब तुम उसके साथ दोस्तियां बढ़ा रही थी। थू है तुम बटूख, तुम अच्छी तरह जानते हो कि मैं पाकबाज हूँ। ओहो, पाकबाज लड़की का जरा मुंह तो देखो। कोई तो मसला जरूर होगा ना जब तुम्हारे बाप ने फौरन मेरे साथ तुम्हारा निकाह कर दिया था। खुदा से डरो दानिश, खुदा से डरो। तुम अच्छी तरह जानते हो वो ताल लगा रहे हो मुझ पर। झूठ तो तुम लोगों ने बोला है। अच्छा, जब एक शादीशुदा लड़की अपने पुराने आशिक को देखते ही उसकी बाहों में झूला ले जाए, वो पाकीज़ा कैसे हो सकती है? तो क्यों रखा है मुझे? आजाद कर दो, छोड़ दो मुझे। किस बात की जबरदस्ती है? छोड़ दूँ, आजाद कर दूँ? ऐसा कभी नहीं हो सकेगा, तुम्हारा सिर ख्वाब ही रह जाएगा। मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, कभी नहीं। तुम्हारी कब्र भी इसी घर में बनेगी। तेरे है हम सुनता नहीं,
क्या हो गया? अंगीता रे उसका साथ बैठकर बात कर ली तो तेरे पेट में क्यों मरोड़े उठ रही है भाई? मरोड़? हमेशा से जानती हो कि मुझसे बर्दाश्त नहीं होता है, कहीं ऐसा ना हो किसी दिन गुस्से में ना बड़ा नुकसान हो जाए। ए, ए, लड़के पोछ के नाखून ले। हाँ समझा क्या अपने आप को? बड़ा आया वहां से रहने भी होने वाला है तेरा, वो अकल है तुझमें कि नहीं? जो कुछ हुआ उसको भूल जा, पुरानी बातों को भूलता क्यों नहीं है तू? है रहने दे अम्मा, ये चाबी तो कहीं और से ही भरी जा रही है जिसकी जबान बोल रहा है ये। बैठी है ना मीसनी अंदर घुन्नी बनके, उसने पट्टी पढ़ाई है सारी। क्या जरूरत है उसको बीच में लाने की? मेरी अकल पर पर्दे पड़े हुए हैं, मुझे नजर नहीं आता घर में क्या चल रहा है। बड़ा आया अकल वाला, अकल समझ है। वो माँ वो बहन जिनके नाम लेते लेते नहीं थकता था, अचानक वो जहर लगने लगी। अच्छी तरीके से पता है ये कौन सी टीचर की क्लासे हो रही है आजकल। ठीक है आसान काम कर लेते, आप जाओ और सना से जाकर बात करो, उसको समझाओ उसे दूर रहे, वरना मैं खुद जाऊंगा हमसे बात करने के लिए और मेरा तरीका आप लोगों को पसंद नहीं आएगा। देखो इसको जरा। सही है, तू तो जब बात करेगा ना तब करेगा, मैं तो अभी बात करूंगी उस लंका से। हैं कैसी चाबी भरी ना तुझे, तू टक 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 करके आके पट 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 बोलना शुरू हो गया मेरे सामने। आज देखना मैं इसका हशर क्या करती हूँ। जब मेरे दामाद की बाहों में खुद झूले झूल रही थी तब इसे कोई परवाह नहीं थी, और आज अगर मेरी बेटी बात कर रही है अपने मंगेतर से तो उसको बहुत बुरा लग रहा है। तीरी लगा दी तुझे, देख मैं इसका कैसे मुंह धूसती हूँ। आज इसका मुंह धूसती हूँ, खबर ले जाके क्या हो गया अम्मा? वो क्या तीरी लगाएगी मुझे अम्मा? क्या समझती तू खुद को ससाधन? अब तू बकवास करके मेरे घर में सुकून बर्बाद कर रही है सारा। आज तो तुझे छोड़ूंगी। क्या हो गया? प्रेग्नेंट है वो, सालत मारेगी उसको, क्या कर रही हो? मैं इसको जिंदा नहीं छोड़ूंगी। जब से ये घर में आई है मेरे घर का सुकून खराब हो गया है। ये नहीं थी ना सुकून था जिंदगी में। तुम भी दफाओ, दफाओ जो यहाँ से, मारो सब मारे मुझे, आप भी मारे। मुझे तो याद भी नहीं ऐसा कौन सा गुनाह किया था जिसकी सजा की सूरत में आप लोग मुझे मिल रहे हैं। गुनाह तुमने क्या, तुमने किया था? ये हर्फों की बनी हुई लंका, गुनाह तो हमसे हुआ जो अजाब की पोटली अपने सर पर लाकर लाद दी हमने। अच्छी खासी सुकून की जिंदगी चल रही थी, जब से आई है घर में हमारी जिंदगी अजाब बन गई है। मैं तो मेरा बस नहीं चलता, जो से मोड़ खोल। अरे अम्मा क्या हो गया? सारे मोहल्ले वालों को बुलाने का यहाँ पे, क्या कर रही हो तुम? आने दे मोहल्ले वालों, हमारे घर का मामला है, जो दिल में आए करे। हम वो कौन होते कुछ बोलने वाले? मेरे घर में। अच्छा चलो, कहाँ से आ गई है? बाहर निकलो, चलो देख लूंगी मैं। हाँ हाँ देख लेना। हाय 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 हाय, अफसोस की बात है, कितना मायूस किया तूने मुझे, हैं? लेकिन तेरा भी क्या कसूर है इसमें? सारा कसूर तो तेरी कमबख्त माँ का है, उसने तुझे कुछ सिखाया ही नहीं, ना कोई ना सलीका, ना ससुराल वालों के साथ किस तरह से घुल मिल के रहते हैं, किस तरह से हंसी खुशी रहते हैं। तो माँ बनने वाली अब तो कुछ अकल से काम ले। सना बेटा माइंड नहीं करना, हमजा थोड़ा रिजर्व है, मगर वक्त के साथ साथ ठीक हो जाएगा। कोई बात नहीं, हमजा साथ आ गए यही बहुत है। बेटा मैं तो सारी उम्र के लिए तुम्हारी कर्जदार हो गई हूँ, अब मुझे पूरा यकीन हो गया है कि तुम्हारा साथ मिला ना हमजा को तो ये अपना माजी भुला देगा। जी आंटी, इंशाल्लाह ऐसे ही होगा।
अच्छा सुनो, मुझे अब आंटी नहीं कहा करो, हमजा की तरह मामा कहा करो। ओके मामा। शाबाश। हेलो। अच्छा एक मिनट होल्ड करना, मैं भी आई। जाए जहां मिलना है गम मुझको वहां, तन्हा थे हम तन्हा रहे लौटा नहीं मेरा मेहरबान, रब की कसम तेरे हैं हम देखो ना कैसा लग रहा है, ऐसे नहीं पता चलेगा, मैं ये दिखाती हूँ पहन के। कैसी लग रही हूँ? बहुत खूबसूरत। वाकई हमजा अरे नहीं, तुम तो जानती हो कितना बड़ा बिजनेस है मेरा, बस उन्हीं चक्रों में उलझा रहता हूँ मैं, कई दफा फोन साइलेंट भी होता है। I understand, इसलिए मैंने भी सिर्फ एक ही बार कॉल की थी। Anyway, बताएं, कोई बिजनेस डील हुई या नहीं? बिजनेस डील्स? हाँ, of course, वो तो होती रहती है। अरे तुम बताओ क्या हाल है, इंटरव्यू कैसा गया तुम्हारा? इंटरव्यू तो मैंने अपनी तरफ से अच्छा ही दिया है, लेकिन देखें दानिश वैसे आप तो जानते ही हैं लोग पहले से ही सिलेक्टेड होते हैं, इसलिए नो हो। यही मसला है सिस्टम का, हार्ड वर्किंग लोगों की कोई कदर ही नहीं है, बट डोंट वरी, तुम्हें कोई ना कोई अच्छी जॉब जरूर मिल जाएगी। वैसे वो मैं सोच रही थी कि आपकी भी तो अपनी कंपनी है ना, उसमें कोई जॉब हो सकती है? Just asking a favor, कोई प्रेशर नहीं है। हाँ क्यों नहीं, of course, मैं तुम एक काम करो, अपनी सीवी मुझे फॉरवर्ड कर दो, अपने हायरिंग मैनेजर को भेज दूंगा और बता भी दूंगा कि तुम मेरे रेफरेंस हो। ओह थैंक यू सो मच दानिश, आप मुझे याद से अपनी ईमेल सेंड कर दीजिएगा व्हाट्सएप पे। हाँ हाँ क्यों नहीं, अभी कर देता हूँ, बस अभी एक मीटिंग है इंपॉर्टेंट है तो वो अटेंड कर लेता हूँ मैं, फिर बात करते हैं। ओके बाय 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 बाय। बन गई बात। उन्होंने कमाल कर दिया, रानी का सारा गुस्सा रानी पे उतार दिया, बड़ा अच्छा किया। कोई तो मुझे तो आग लग जाती है इसकी शक्ल देखते ही, अम्मा क्या बताऊं, ऐसा गुस्सा आता है ना बीपी हाई होने लगता है, ऊपर से नवाबजादी माँ बनने वाली मेरी सर पे नाचेगी, मुझे तो ऐसा लगता है। हाँ भाई सिर्फ इसकी औकात में रखा कर, देख नवाब सोच हमजा भी यहाँ आने लगेगा ना तो फिर क्या होगा,
अब जब तक सना की शादी नहीं हो जाती, रुख्सत नहीं हो जाती इस घर से, मुझे यही फिक्र लगी रहेगी हर बार। माँ, तुमने ये बात देखी? इसको सारे चक्कर हमजा को देख के ही आने थे हैं, और जाकर टक्की भी सीधी उसकी गोद में सीने लग गई। अम्मा, मैं बता रही हूँ, ये सब इसने जानबूझकर किया है। मेरा तो दिल हौल रहा है, अगर हमजा के दिल में इसकी मोहब्बत का शोला फिर से भड़क गया, हमारी तो सारी प्लानिंग जल जाएगी, उसके अंदर भस्म हो जाएगी। अरे हाँ, एक और परेशानी सवार हो गई मेरे सर के ऊपर। मैं तो ये सोचती हूँ कि कहीं उससे मिलकर हमजा के दिल में कोई तबीयत चिंगारी तो नहीं पड़ा कुटी। अरे हाय, ये इशक वशक जो होता है ना, उसकी आग बड़ी मुश्किल से बुझती है। क्या बताऊँ तुझे नवाब, तुझे कुछ पता ही नहीं। हमजा इस जैसा बेगैरत नहीं है, वो तो खानदानी है। बस सना की शादी हो जाने दे, देखते क्या करते। ये तो सही कही अम्मा। अम्मा, वैसे मैंने भी एक बात सोच ली है, मैं भी अपने दानिश की दूसरी शादी करवाऊंगी। जरा इस रानिया मैडम को सौतन का मजा भी चख लेने दो। तो